What you see behind me is the famous waterfall of this Mulerthal Trail. So we took Route 3 from the Tourist Information Center of Mulerthal, and it was a very beautiful hike, just 1 kilometer, and then the view is worth it. It's a little difficult and slippery along the way, but you must come here. So this is the first attraction in the Route 3. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shagun. In this video, I am going to show you the Mulerthal region. Particularly, we are covering Route 3. Like I told you in my previous videos, that there are three main routes for trekking in Mulerthal, which is Route 1, 2 and 3. In this video, I am going to cover Route 3 and show you how does it look like. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग ड्राइव कर रहे हैं एक्तरनाख विलेज से मुलेरथल की तरफ। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है मुलेरथल का टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। अगर आप रूट 3 पर ट्रैक करना चाहते हैं तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है। बहुत छोटे छोटे से विलेजेस हैं लाइक ब्यूफोर्थ, मेदरनाख, ला रोशे या हफिंगन, लेकिन मुलेरथल जो है सबसे बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। एक और बात, अगर आपको नाम वगैरह याद नहीं रहे या फिर समझ में नहीं आए बिकॉज प्रोनंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सब कुछ डिटेल में लिखा है, आप बाद में वो भी रेफर कर सकते हैं। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं मुलेरथल में और ये हेरिंगर मिलन जो है यहाँ के टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर का नाम है। एड्रेस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सबसे पहली अट्रैक्शन रूट 3 पे जो हम कवर करने वाले हैं वो है वाटरफॉल, स्काइस तुम्पल या स्काइसन देम्पल वाटरफॉल। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, वहाँ से विद इन 1 किलोमीटर हाइक करके आप इस वाटरफॉल तक पहुँच जाते हैं। अच्छा, जब तक हम पहुंच रहे हैं वाटरफॉल पे, मैं आपको बता दूं, ये जो हेरिंगर मिलन जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन है, ये पहले एक मिल हुआ करती थी जिसको इन्होंने कन्वर्ट करके टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर बना दिया है, एंड दैट्स वेयर इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम, हेरिंगर मिलन। ये जो रूट 3 है ना हाइकिंग का, इसको बोलते हैं रोमांटिक ट्रेल। सबसे खूबसूरत ट्रेल है ये। आप पास करते हैं छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम से, वुडन ब्रिज से, मॉसी रॉक्स और छोटी छोटी पगडंडियाँ जो बोलते हैं हम हिंदी में, लिटरली बिल्कुल वैसा ही है। बहुत ही ग्रीन, एट द सेम टाइम रॉकी, छोटी छोटी सी स्टेप्स विद इन टाइनी केव्स, क्रीक वैलीज, ओपन ग्रीन पास्चर्स, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही डिफरेंट तरह का सेटअप है, अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल ट्रेल दैट यू मस्ट टेक। अच्छा, वैसे बहुत लोगों को नहीं पता होगा लेकिन जो मुलेरथल रीजन है लग्जमबर्ग का, इसे बोला जाता है मिनी स्विट्जरलैंड और द लिटिल स्विट्जरलैंड ऑफ लग्जमबर्ग। और सच में आई मीन अ पार्ट ऑफ इट कैन एक्चुअली बी कंपेयर्ड टू स्विट्जरलैंड। अनदर थिंग फॉर हाइकिंग, जैसे मेन रूट्स अगर आप मैप में देखते हैं तो मुलेरथल रीजन 3 में डिवाइडेड है। मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ रूट 1, 2 एंड 3, तो दैट इज़ द मेन रूट्स। जैसे अभी हम हाइक कर रहे हैं रूट 3 पे, तो आपको ये साइन दिखाई देंगे W6, W7, W8। तो ये जो ट्रेल्स हैं, दीज आर द लोकल ट्रेल्स ऑफ रूट 3। तो रूट 3 अगर आपको पूरा नहीं करना है तो विद इन रूट 3 यू कैन टेक दीज स्मॉलर ट्रेल्स, सो दैट आर द W ट्रेल्स। तो बस बातें करते करते वी आर ऑलमोस्ट देयर एट आवर फर्स्ट अट्रैक्शन और द स्टॉपिंग पॉइंट विच इज़ द वाटरफॉल्स। काफ़ी फोटोजेनिक स्पॉट है। अभी यहाँ पर आते आते हमने देखा कि देयर वाज एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, शी वाज इन द मरमेड सूट और वो एक कोने में फोटोग्राफी का सेशन हो रहा था उनका। और जो इस वाटरफॉल के ऊपर का ब्रिज है, सो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रोमांटिक ब्रिज। तो जनरली लोग जो हैं, कहा जाता है कि लोकल्स कम हेयर फॉर द प्रपोजल्स एंड ऑल, ब्रिज के ऊपर खड़े होके एक दूसरे को प्रपोज करना, आई मीन जस्ट अ साइन ऑफ रोमांटिक गेटअवे। एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, इफ़ यू आर डूइंग हाइकिंग और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से एंड यू वांट टू लेट्स से गो टू द वाटरफॉल्स, डू नॉट यूज़ गूगल मैप्स। अगर आपने गूगल मैप में डाल दिया वाटरफॉल का रास्ता, तो वो आपको ले जाएगा सड़क से, वाया रोड, सो देर इज़ नो व्यू, नथिंग। और
गाड़ियों के साथ साथ आपको चलने के लिए बोलेगा, देयर इज़ नॉट इवन वॉकिंग पाथ ऑन द रोड्स. तो बस आपने यहाँ के साइन पोस्ट्स को फॉलो करना है और ट्रेल पकड़नी है, उसमें लिखा होगा कौन सी ट्रेल लेके जा रही है आपको वाटरफॉल्स, एंड देन जस्ट कीप फॉलोइंग इट. डू नॉट यूज़ गूगल मैप्स. हमने यूज़ करा था एंड देन हम पछताए थे कि क्यों करें, देन वी टुक द डिसीजन टू जस्ट फॉलो द साइन पोस्ट्स. तो वाटरफॉल पे काफ़ी लंबा स्टॉप ओवर लेने के बाद, बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींचने के बाद, नाउ वी स्टार्टेड कवरिंग यहाँ की लोकल ट्रेल्स W7 एंड W8 विच पासिस थ्रू नाइस क्रीक वैलीज, छोटे छोटे से केव्स एंड नाइस लैंडस्केप्स इट टेक्स यू टू, एंड अल्टीमेटली वील रीच आउट टू द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर टुडे. लेकिन अच्छी खासी हमने हाइक करा बीच में, छोटे छोटे पिट स्टॉप्स लिए, जो भी अच्छी जगह दिखती थी वहाँ पर बैठ जाते थे, फोटोग्राफ्स खींचते थे, एंड वी जस्ट केप्ट ऑन वॉकिंग. सो बेसिकली एज डे वन पर हमने पकड़ा है Route 3, और Route 3 के अंदर हमारा प्लान है कवर करने का W4, W5, W6 एंड बिट्स ऑफ W7 एंड W8 एज वेल. ये जो आपको बीच बीच में रॉक फॉर्मेशंस दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोलते हैं क्रीक वैलीज, हॉप्स बाक एंड हालर बाक. अगेन यू कैन फाइंड एवरीथिंग इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. और ये मेनली आता है, हम चल रहे हैं W4 और W5 ट्रेल्स पर, हॉप्स बाक एंड हालर बाक. और चलते चलते रेस्ट करने के लिए बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कॉटेज बनी हुई थी, ऐसा लग रहा था हिल्स के बीच में, यहाँ पर बैठो, रेस्ट लो, इफ़ यू हैव सम फूड ईट इट हेयर एंड एन्जॉय द व्यू. सो वी टुक अ टाइनी स्टॉप ओवर हेयर. और हाइकिंग एन्जॉय करने के लिए यू नीड अ गुड कंपनी एंड अनलिमिटेड टॉक्स. बहुत हमने गाने गाए, बहुत बातें करी, और पता ही नहीं चला कि हम कैसे धीरे धीरे करके अपने स्पॉट्स तक पहुँचते गए. अच्छा, किसी ट्रेल पे अगर आपने वॉक करना शुरू कर दिया है एंड इन मिड वे आपको वापस भी जाना है, सो यू डोंट नीड टू वरी, हर साइन पोस्ट पे रिटर्न के भी ऑप्शंस हैं कि कौन सी ट्रेल पकड़ के यू कैन रीच बैक टू द टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर और एनी प्लेस दैट यू वांट टू गो. और ये मेरे पीछे मेरा पूरा हाइकिंग का ग्रुप थक के अभी रिलैक्स कर रहे हैं, ओपन हमें पास्चर फील्ड मिला है एंड दे आर जस्ट लाइंग डाउन एंड गेनिंग बैक देयर स्ट्रेंथ टू वॉक अहेड. What amazed me was कि इतनी different landscapes हैं throughout Route 3. हमने जैसे भी waterfall देख लिया, rock formations देख लिए, suddenly open सा pasture आ जाता है, and then ऐसा लगता है कि हम इन खेतों के बीच में से निकल रहे हैं. तो काफ़ी variety और काफ़ी diverse landscape है, you see so many things in just one route. और ये सारा चेंज इज जस्ट विद इन 2-3 किलोमीटर्स, 2-3 किलोमीटर्स में सीनरी एकदम चेंज होती जाती है. और अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जाने से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि हम लोग रुके हैं Hubirkelt कैंप साइट में, विच इज़ अ कैंप साइट विलेज इन द ला रोशे टाउन इन लग्जमबर्ग. काफ़ी पास है मलेरथल के, 10-11 किलोमीटर के अंदर है. और हम बाय कार ड्राइव करके पहुँचे हैं मलेरथल स्टार्टिंग पॉइंट टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर. वहाँ से हमने अपनी ट्रेल्स स्टार्ट करी हैं, वाटरफॉल देखते हुए, सारे लैंडस्केप्स एक्सप्लोर करते हुए, पिट स्टॉप्स लेते हुए हम आज की नेक्स्ट लोकेशन पर जा रहे हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये खाली अट्रैक्शंस कवर करनी है एंड यू आर नॉट इन अ मूड टू हाइक, तो आप जगह का एड्रेस लगाइए जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और सीधे कार से पहुंच जाइए उस जगह पे, कार पार्क करिए, एंड देन विद इन 100-200 मीटर्स आपको सामने ही दिखाई दे जाता है. यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो देयर, टेक फोटोग्राफ्स, टेक अ नाइस स्ट्रोल अराउंड द एरिया. सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर ऑप्शन. Route 3 अपने आप में बहुत बड़ा है, इट्स लाइक 38 किलोमीटर्स, बट वी डिड नॉट डू ऑल. हमने ऑलरेडी चूज़ कर लिया था इन इन अट्रैक्शंस पे जाना है, बट वी हाइक्ड. तो जो नेक्स्ट अट्रैक्शन है आज की, दैट इज़ माय फेवरेट अट्रैक्शन, विच इज़ कॉल्ड Kalik Tufkuel. ये जो लोकेशन है ये W7 लोकल ट्रेल से आ जाती है अगर आप Route 3 पर हाइक कर रहे हैं, और 600-700 मीटर लंबा एक वुडन ब्रिज है, उसको क्रॉस करके आप जाएंगे. सो विल रीच दिस लोकेशन. द ओवरऑल कलर्स ऑफ वाटर, रॉक और जो ग्रीन मॉस है, इट्स सो इम्प्रेसिव.
फोटोग्राफ्स इतनी प्यारी आती हैं। सो जो ये एरिया है इसे बोलते हैं वाटर रॉक वाटर बेसिन भी, जैसे रॉक इट्स लाइक अ रॉक पोरिंग वाटर इन टू अ बेसिन। इट वॉज ऑल्सो द लास्ट लोकेशन ऑफ द डे और यहाँ पर पहुँचने के बाद इतना पीसफुल लगा, मैंने तो अपने शूज सॉक्स सब निकाले एंड जो सैट फॉर सम टाइम इन द साइलेंस जस्ट द साउंड ऑफ द वाटर ड्रिपिंग इन टू द स्ट्रीम थ्रू द रॉक्स, इट वॉज सो अमेजिंग एक्सपीरियंस। And I love doing my happy dance at all the locations. बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले चले चले, हम चले वे रामचंद्र। Thanks for watching guys, this is it. So I showed you route 3 of Mullerthal trail where we covered many nice attractions. So if you are planning your trip, do send me a comment if this video was helpful. Till then, stay happy, stay healthy, stay positive and keep tripping.